ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित देवकुल की सभी सौभाग्यशाली महान आत्माओं, प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर संध्या का वक्त है और जीवन परिवर्तित होने वाली सुंदर सुंदर बातों की रोशनी अभी यहाँ मिल रही है। बहुत सुंदर सुंदर बातें आप सुन रहे थे, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं चलता। जो सुनकर अप्लाई कर लेते हैं जीवन में, उनके जीवन बदल जाते हैं, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, उनकी डगर सरल होने लगती है। तो जो कुछ सुनकर जा रहे हो, उसे थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना जरूर। मुझे याद आ रहा था पिछले साल 8 नवंबर की वो रात, जिस दिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था। याद है सभी को कौन सा अनाउंसमेंट किया था? नोटबंदी। किस पर्पज को लेके हुआ था वो? काले धन को सफेद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात ऐसी थी कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व नहीं सोया था उस दिन। जिसके पास 500 रुपए थे वो भी शायद नहीं सो पाया था, 500 रुपए के लिए भी चिंतित था उसका क्या होगा। हालांकि यहां की गवर्नमेंट ने तो हमें बहुत लंबा टाइम भी दिया था, कुछ मार्जिन भी दी थी। आज गहराई से हम सोचेंगे, ये तो यहां की गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट था जो इतने दिन तक हलचल मच गई भारत में। जिस दिन ऊपर वाली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होगा, जिस दिन वो काले कर्मों का और सफेद कर्मों का हिसाब लेगा, उस दिन क्या होगा? यहां तो मार्जिन मिली थी, टाइम मिला था, लेकिन वहां एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा, एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आज की संध्या काल से हम ये अपने आप व्यक्तिगत रूप से प्रण लेंगे कि आज से मेरे कर्म सफेद होना शुरू हो जाएं, ताकि जब मैं ऊपर वाले के पास पहुंचूं तो सर झुका करके नहीं, बेचारों की तरह नहीं, लाचारों की तरह नहीं, मुजरिमों की तरह नहीं, जब ऊपर वाले के पास पहुंचूं तो ऊपर वाले को भी शान हो कि मेरा वस्त्रों में लाल आया है, कुछ करके आया है, निठल्ला या खाली हाथ नहीं आया है सृष्टि से, भेजा था तो कुछ कमाई करके आया है। दुनिया में तो कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। ठीक है, ये धन संपत्ति हमारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन जो धन संपत्ति हमारे साथ चलेगी और हमारे साथ जन्मों जन्मों तक रहेगी, वो भी कमाने का वक्त यही है। हम कुछ नेक कर्म किया करें, कुछ दुआएं प्राप्त किया करें, यह हमारी सबसे असली पूंजी है, नेक कर्म। अपने मन को जिस दिन हम सफेद बना लेंगे सारे भारतवासी, उसी दिन उसी क्षण हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। तो हमें अपने मन को सफेद बना करके पुण्य कर्म करने हैं, पाप कर्मों से बचना है,